नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा में बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ मजिस्ट्रेट की तैनाती में जेसीबी से खुदाई के बाद सबको 3 महीने के बाद कब्र से निकाला गया। मामला जिला के बड़गांव ओपी थाना के आईसीटी गांव का है। मृत महिला के भाई ने बड़गांव ओपी थाना में आवेदन देकर जहर खिलाकर हत्या का प्राथमिकी दर्ज कराया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सबको कब्र से निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया गया है। सितंबर 2023 में रोजी परवीन की मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने उसे दफना दिया था। इसके बाद दूसरे राज्य में रह रहे उसके भाई को इस बात की जानकारी मिली तो उसने हत्या का मामला थाने में दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की। इस मामले में पुलिस ने महिला के भाई की शिकायत कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया है। शिकायत में उसके पति के अलावा 5 अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने कबूल भी किया था कि जहर दिया गया था। यही कारण है कि शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था, जिसे आज कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अरमान है, मृत लड़की के रिश्तेदार हैं, उनका इंटरव्यू सुनिए और जानिए कि आखिरकार 3 महीने के बाद रोजी प्रवीण का कब्र से शव क्यों निकाला गया। आज जो लड़की का शव कब्र से खोदकर निकाला गया है, क्या कुछ मामला है? 3 महीना पूर्व उसका देहांत हो गया था, जिसके कारण उसमें आशंका उसका भाई जाहिर किया कि उसको मार दिया गया है जहर खिला के। अब उसका पोस्टमार्टम पुष्टि होगा, न्यायालय का आदेश हुआ, आज उखाड़ा गया, लाश ले गया है। अच्छा, क्या नाम था लड़की का? रोजी परवीन नाम था। क्या मतलब उनके भाई के द्वारा आवेदन दिया गया था, क्या कुछ कहा गया था? उनके भाई के द्वारा दिया गया था कि इस तरह का मामला है, उस टाइम में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था किसी कारण, बस शंका में था। फिर लड़का का बयान वीडियो आया कि जहर खिला के मार दिए हम लोग, तो इसी आधार पे आज पोस्टमार्टम होने गया है, न्यायालय का आदेश आया है। उसी आदेश में कब्र खोद के आज जी उसी आदेश में फिर कब्र खोद के वहाँ से लाश ले गया है। मजिस्ट्रेट बहाली हुआ था, इसी तरह ले गया था। ये आवेदन किसने दिया था? लड़की का भाई ने दिया था। कितने दिन के बाद दिया था? 15-20 दिन के आसपास में दिया था। लड़की के भाई का नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। आप कौन लगते हैं? रिश्तेदार में ही है। रिश्तेदार में जी। क्या नाम है आपका? अरमान नाम।